Almighty God, the gracious, the merciful, respected students, friend, father, you are most welcome in our online academy, the ESL Academy by Sir Rana. Our contact number is 0305631946. I'm your presenter, host, teacher, online trainer, Sir Rana. Today I'll teach you Oedipus rags, main points. I'll teach you about Sophocles, three great tragedy writers like Aeschylus, Sophocles, and Euripides. I'll teach you about the Roman Greeks way of writing, how do they write, and what was the style, and in what background they were writing like that. I will teach you all these things. Prior to start today's lecture, I want you people subscribe and like my channel. Channel name is the ESL Academy. Subscribe, like, and share with your friend. In today's e-lecture, you will learn one assignment, irony in Oedipus rags. I will teach you certain points. I will just make you write certain points, and after writing these points, you will be able to expound and write yourself, because I'll be giving providing you data in a way to write maximum. Roman Greeks ke andar जैसे आज हम प्रगेशन करने के लिए अपना कथार्सिस करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दिए, रेट बढ़ा दिया, हम क्या करते हैं अपना कथार्सिस करने के लिए मीडिया पे या सोशल मीडिया पे या किसी भी ऐसे फोरम पे चले जाते हैं जहां पे अपना कथार्सिस कर सकते हैं, ठीक है, अपने दिल की बात जो है वो बता सकें, एक्सप्रेस कर सकें। या जैसे विलियम ब्लेक कहता है, मैंने अपने दोस्त के बारे में ग्रज पाला, उसको बढ़ता बढ़ाता रहा, उसको मैंने तनावर दरख्त बना लिया, एक ट्री बना लिया, इतना खतरनाक हुआ वो ग्रज के मैंने दोस्त की जान ले ली। मैंने अपने दोस्त के अगेंस्ट ग्रज, मेरे दिल में ग्रज आया, मैंने कुछ उसके बारे में बुरा फील किया, मैंने उसे एक्सप्रेस कर दिया, उसे वॉमिट कर दिया, तो मैंने उसको एक्सप्रेस कर लिया, कैथारसिस कर लिया। इट मीन के जो चीज आपके मन में होती है उसका कैथारसिस करने के लिए रोमन ग्रीक्स के पास भी कोई ना कोई फॉर्म था। वो फॉर्म क्या था कि उन्होंने बहुत बड़ा एक स्टेज बनाया हुआ था, वहां पे बड़े बड़े जो ट्रेजेडी राइटर्स थे वो अपना प्ले जो लेके आते थे, तीन चार एक्टर्स होते थे और फीमेल एक्टर नहीं होती थी उसमें, मास्क मुंह पे चढ़ा के 10-12 जो लोग थे जिसे कोरस कहते हैं, नाम लिख लें, कोरस में 10 से 12, 7, 10, 15 भी लोग होते थे। ये लोग क्या करते थे, ये सीनियर मेंबर होते थे उस कम्युनिटी के, ये वहां पे जाके लोगों को कंट्रोल भी करते थे और साथ साथ ऑडियंस का भी ये माउथ पीस होते थे, जो ऑडियंस के मन में क्वेश्चन आ रहे होते थे वो भी रेज करते थे और साथ एज बतौर एक्टर भी वो परफॉर्म करते थे, उनको कहते थे कोरस। उनका जो हेड होता था वो सबसे सीनियर होता था, उसे कहते थे कोरागास। क्या कहते थे? कोरागास। इसके अंदर 3 एक्ट हैं और हर एक्ट के साथ, सुन लें, हर एक्ट के साथ आपको एक ऑड मिलेगा, एक कोरस मिलेगा और इसी तरह एक सीन के साथ, इसी तरह यानी 3 एक्ट्स हैं, 3 एक्ट्स के मजीद फर्क, इसी तरह आगे हर के साथ एक ऑड आएगा, एक कोरस आएगा और एक सीन आएगा, ठीक है। ये हम इसको पढ़ेंगे, ये इतना लंबा प्ले नहीं है, एनी हो हम इसको, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे। बड़ा सिंपल सा प्ले है, मुश्किल नहीं है, ओल्ड है, ओल्ड जो है, ओल्ड के अंदर आपको पता है कि फेट जो, जितने भी रोमन ग्रीक्स के प्ले हैं उनमें फेट जो होती है वो प्री डिटरमिनेड होती है, यानी फेट के साथ लड़ना बेकार है, जो कुछ फेट ने कह दिया, जो कुछ गॉड गॉडेसेस ने कह दिया वही होना। यहां पे मॉडर्न ड्रामा आप देखेंगे कि वो परस्यू करते हैं, अपनी ट्रेजेडी होती है तो ट्रेजेडी के बाद उसका सलूशन फाइंड करते हैं मॉडर्न ड्रामा के अंदर, लेकिन क्लासिकल ड्रामा या ग्रीक रोमन ड्रामास के अंदर आपको कोरस मिलेगा, आपको फेट जो है वो डोमिनेट मिलेगी, वो डोमिनेट करती हुई दिखाई देगी, आपको आपको फील होगा कि वो प्री डिटरमिन है, गॉड और गॉडेस के, गॉडेसेस के हाथों प्रोटैगनिस्ट जो पपट है, जो कुछ वो उसे सफर करवा रही है और कोइंसिडेंट फेट और गॉड गॉडेसेस ये सारे कंट्रोल कर रहे हैं उसकी डेस्टिनी को, और वो थ्रू आउट द प्ले जो है वो सफर करता है अल्टीमेटली ट्रेजेडी
जो ट्रेजिकल हीरो है वो आपके सामने आप देखते हो, वो अपनी आंखों को क्या कर लेता है, गौज कर लेता है, उसे प्रिक कर लेता है और वैनिश हो जाता है। तो ये हमने ईडिपस के अंदर देखा। देखिएगा रोमन, ये सिरका नामी ग्रीक एक प्लेस है, उसके अंदर पैदा हुए हैं सोफोक्लीज। सोफोक्लीज की जो ट्रेजेडी है इसको स्टैंडर्ड ट्रेजेडी कहा है एरिस्टोटल ने। इसका मतलब है एरिस्टोटल से भी बड़ा था सोफोक्लीज। सोफोक्लीज की ट्रेजेडी को लिख लें, आइडियल ट्रेजेडी का नाम दिया है किसने, एरिस्टोटल ने। सोफोक्लीज पैदा हुए हैं 496 बीसी बिफोर क्राइस्ट एंड 406 में डेथ हुई है। वाइफ का नाम लिख ले निकोसट्रेटा एस अपोलो का प्रीस्ट भी काम किया है उन्होंने, प्रीस्ट भी बनना चाहते थे। फादर जो थे वेल्थी बिजनेसमैन थे, उन्होंने बहुत अच्छा एजुकेट किया, बहुत अच्छे टीचर से इसको एजुकेट करवाया और बड़ा इंटेलिजेंट था। ये स्टूडेंट था एस्किलिस का, एस्किलिस और इन दोनों ने ड्रामा, ये थ्री ड्रामा अपना लेकर आते थे ट्रायलॉजी की फॉर्म में, यानी एक ड्रामा है ना, एक प्ले है, तो उसे थ्री फॉर्मेट में लेके आते थे, उसकी थ्री आप कह लें कि फॉर्म उनको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया होता था, ड्रामा एक ही होता था, उनको थ्री फॉर्म में लेके आते थे ट्रायलॉजी की फॉर्म में। तो पहली दफा इस ये जब अपीयर हुआ एस्किलिस के मुकाबले पे, तो इसने एस्किलिस को अपने उस्ताद को मार दी और उसको हरा दिया, ये जीत गया। सोफोक्लीज ने कहते हैं जितने भी प्ले परफॉर्म किए हैं सेकंड फर्स्ट या सेकंड आते थे, या फर्स्ट आ जाते या सेकंड आ जाते, यानी वहां पे मुकाबला होता था, लोग फिर दाद देते थे, उसके बाद एक कंपटीशन होता था। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि प्ले परफॉर्म किए जाते हैं फिर उनको अवार्ड मिलता है, फिर कॉम्पिटिशन होता है, फिर वो बड़े बड़े अवार्ड मिलते हैं उनको, तो फिर इसी तरह वो तो एक ओल्ड दौर था, ट्रेजेडी का दौर था, उस वक्त ट्रेजेडीज ड्रामा लिखे जाते थे। तो उस वक्त ट्रेजेडी फिर क्या थी, वो कोरस होता था, फेट होती थी और एक ट्रेजिकल हीरो होता था, तीन चार उसमें एक्टर होते थे। और पहली दफा एक एक्ट्रेस, फीमेल एक्ट्रेस का इसने इजाफा किया, इसने जोकास्ता को इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि एक न्यू कंसेप्ट था कि एक शख्स जिसने अपने मदर से शादी कर ली, फादर को किल कर दिया, इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर पीपल। और ये बहुत खौफनाक ड्रामा जब पहली दफा प्ले हुआ तो लोगों ने तोबा करनी शुरू कर दी कि इंसेस्टुअस प्ले उस दौर में जो बहुत ज्यादा मजबूत दौर था, एक्सट्रीम लेवल पे मजहबी गॉड और गॉडसेस को और इस तरह की चीजों को माना जाता, बिफोर क्राइस्ट, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 500 साल पहले का ड्रामा है और 500 पहले का ये सोफोक्लीज राइटर है। प्ले का आगाज ऐसे होता है, किंग अपने महल के बाहर आता है, बाहर बहुत सारे लोग जो हैं वो हंगर स्ट्रिकन, कहत, फैमन और इस तरह के प्लेग से वो दो चार हैं और वो रो रहे हैं और वो उसके महल के सामने बैठे हुए हैं। तो बादशाह पूछता है कि व्हाई आर यू सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माय पैलेस, व्हाट इज द प्रॉब्लम, दो पीपल आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माय पैलेस, व्हाट इज द रीजन, व्हाई आर यू सिटिंग। वो लैडर्स होती है ना, वो महल की लैडर्स बाहर बनी होती है ना, टीले बने होते हैं बड़े बड़े उसके बाहर बादशाह के, तो वो एक टाइप का बना हुआ उसके, उनकी जो लैडर्स हैं उनको बैठे हैं उनके ऊपर और पूरे वो जितना महल है वो वैसे एक सीन बना हुआ ना, वैसे एक स्टेज बना हुआ। बादशाह बाहर आता है, बहुत सारे लोग जो हैं वो इल्तिजा कर रहे हैं कि ए बादशाह, ईडिपस द किंग, द ग्रेट ईडिपस द किंग, यू आर द वन हु रिमूव द कर्स ऑफ स्फिंक्स, की कर्स को तुमने रिमूव किया था, तुमने जैसे उस स्फिंक्स को रिमूव किया था इस कहत और इस प्लेग से हमारी जान छुड़ाओ। डिस्कशन होती है, प्ले स्टार्ट होता है, कोरस अपना सॉन्ग, दुखी सा एक सॉन्ग गाता है, ओड को समझ ले एक सॉन्ग है, दुखी सॉन्ग, और एक दुखी सॉन्ग गाया जाता है, एक पेनफुल सॉन्ग वो गाते हैं। और कोरस जब आता है तो इधर से आता हुआ वो बाएं तरफ जाता है, तो उसे कहते हैं स्ट्रोफी,
जब वो उधर से इधर को आता है तो वो उसे कहते हैं एंटीसिट्रोफी। और जो तीसरा जो वहां पे सेंटर में खड़ा रहता है, मूवमेंट नहीं करता जब, तो उसे कहते हैं स्टैंडिंग पॉइंट। यानी ये थ्री वे से कोरस आएंगे जाएंगे और हर एक्ट और सीन के साथ ये कोरस साथ साथ अपीयर होते जाएंगे। अंडरस्टैंड? हम इनको डिस्कस करेंगे, हर दफा कोरस आएगा, और भी आएगी, सीन भी आएगा, और वो अपनी बात करेंगे और उसके बाद वो चले जाएंगे, और कोरस एज अ एक्टर भी काम करेगा, साथ साथ ऑडियंस का माउथपीस भी काम करेगा, साथ साथ इंस्ट्रक्शन भी देगा। इवन कि आपने देखा कि जब वो कहता है कि मैंने आप लोगों की बात सुन ली, आप जिस वजह से परेशान है मैं उससे ज्यादा परेशान हूं, जिसने भी लियस का कत्ल किया है मैं उसको इस तरह फाइंड करूंगा कि जैसे मैं अपने बाप के कातिल को फाइंड करता हूं, क्योंकि अगर वो उसे मार सकता है तो मुझे मार सकता है, जब मैं उसको डिफेंड करूंगा तो मैं अल्टीमेटली इन रिटर्न अपने आप को डिफेंड करूंगा। लियस का कातिल जो है उसे ढूंढना, उसे बैनिश करना, ये मेरा फरीजा है, मैं एज अ सन काम करूंगा। इसके अंदर भी एक आयरनी है जो हम अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो कह रहा उसको होता है, लेकिन वो सिचुएशनल आयरनी एक बन रही होती है कि वो आयरनी उसके ऊपर ही इंप्लीमेंट हो जाती है। ट्रीसियस के बारे में कोरस इंटरप्ट करता है, कोरस कहता है कि आप ऐसा करें बादशाह सलामत, आप ग्लैंड प्रॉफिट से डिस्कस करें, वो आपको बताएगा इसका सोल्यूशन। तो वो कहता है कि मैंने डेल्फिक ओरेकल को पहले ही मैसेज भेजा है क्राउन के थ्रू कि वो मुझे बताएं कि इसका सलूशन क्या है। मैं तो पहले ही भेज चुका हूं ओरेकल को अपने ब्रदर इन लॉ को। ब्रदर इन लॉ कौन है? क्राउन कौन है? क्राउन उसका ब्रदर लॉ, ब्रदर इन लॉ भी है, उसका मामू भी है, जो कस्ता का भाई है। वो कहता मैंने तो पहले ही अपने आदमी को भेज दिया है और वो डेल्फिक ओरेकल के पास गया है और उस फॉर्चून टेलर से, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव है अपोलो का, उससे पूछ के आएगा कि मसला क्या है, ये कहत क्यों है। तो मैंने तो उसको पहले ही भेज दिया है, इसलिए आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई एम हियर एंड आई हैव ऑलरेडी सेंड टू डेल्फिक ओरेकल, डेल्फिक ओरेकल की तरफ मैंने पहले ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को भिजवा दिया है और वो मुझे उससे जरूर कोई ना कोई खबर ला के देगा, आप लोग परेशान ना हो। बात बढ़ती है इसी तरह, ट्रीसियस नमूदार होता है। ट्रीसियस अपने एक बच्चे के साथ से, एक बच्चे ने फोल्ड किया हुआ है, वो ब्लाइंड प्रॉफिट है, वो आके पूछता है तो वो कहता है जी मैं नहीं बताना चाहता। वो कहता तुम बताओ कि इस सारी सिचुएशन का के पीछे कौन है, ये कहर जो प्लेग और ये सारा कुछ जो आया हुआ है इसके पीछे क्या, लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं कहर की वजह से, प्लेग की वजह से और अजाब की वजह से, ये क्यों है, इसका कॉज क्या है। वो कहता है जी मुझसे ना पूछे तो अच्छा है। वो बार बार कहता है कि फिर तुम ट्रेटर हो, तुम फिर खुद ही तुमने मारा होगा लियस को, तुम क्यों नहीं बता रहे, तुम बताओ अगर तुम जानते हो। तो वो फिर जब उसे बार बार उसको कहता है तो वो उसे बता देता है कि तुम इंसेस्टुअस रिलेशन में हो, जिस बच्चों को तुमने पैदा किया है वो बच्चे तुम्हारे भाई भी हैं और तुम्हारे बेटे भी हैं, और जिस माँ के वॉम से तुम पैदा हुए हो उसी के साथ शादी की हो, यू आर इन इंसेस्टुअस रिलेशन, तुम एक इंसेस्टुअस रिलेशन के साथ। तो वो कहता है यू सेंसलेस, यू साइटलेस, यू विटलेस, बेवकूफ, नॉनसेंस, यू तुम मुझे बातें कर रहे हो, ओल्ड फूल, यू डोंट नो एनीथिंग, यू वांट टू ओवरथ्रो माय थ्रोन, तुम मेरे क्राउन को, मेरे तख्त को उठना चाहते हो मेरे ब्रदर इन लॉ क्राउन के साथ मिलकर। क्राउन को भी वो बुरा भला कहता है, जो कस्टा अल्टीमेटली उस बात को कूल डाउन करती है। बात आगे बढ़ती है और बढ़ती बढ़ती वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है, कहता है मैं इसको फाइंड करूंगा। ट्रीसियस की बात ने उसे परेशान कर दिया। कोरस अपना सॉन्ग गाता है, कोरस उसको एडमायर भी करता है कि ये तो बहुत अजीम किंग है, ये तो शायद जो वाइन गॉड है उसने मेट किया है किसी परी के साथ, तो तब ये पैदा हुआ था ये ईडिपस। ये ईडिपस वो है जिसने सफीन को मात दे दी, जो 16 सालों से मसलत थी, जिसने इतने लोगों को खाया, इतने लोगों को उसने कर्ज किया, इतने लोगों के ऊपर वो अजाब बन के मसलत हुई थी। ये ईडिपस तो किसी देवता की औलाद है, ये तो किसी वाइन गॉड की औलाद है, जो मस्त रहता है गॉड कैथराइन हिल में, जो देवता रहता है विल किसका, वाइन का गॉड, उसने किसी परी के साथ मेट किया है, उसके साथ इंटरकोर्स किया है, तो उससे ये पैदा हुआ है ईडिपस। वो उसके गाने गाते हैं, उसके सॉन्ग गाते हैं, ओड पढ़ते हैं उसकी
उसकी ग्रेटनेस। लेकिन इसके अंदर भी एक आयरनी है कि वो तो उसका बेटा नहीं है, वो तो बेटा है किसका, जुकस्टा का और लियस का। और वो मिल किसको गया था, शेफर्ड ने उसको दे दिया था मिरोप, एक लेडी थी जो इशूलेस लेडी थी, जो बेऔलाद लेडी थी, जो एक बादशाह की बीवी थी, उस बादशाह का नाम था कोलीबस, उस कोलीबस को दिया था। उस जब वहां से ये दौड़ता कोरिंथ से, कोलीबस से अपनी स्टेट से, तो वहां भी ओरेकल इसको प्रॉफिट जो होते हैं वो बताते हैं कि तुम अपनी मदर से मेट करोगे, अपने फादर को किल करोगे, तो ये अपनी जगह छोड़ के दौड़ पड़ता है। जब दौड़ता है तो अल्टीमेटली ये थीव के किसी इलाके में आ जाता है, वहां पे 3 रोड क्रॉस होते हैं, वहां से जब गुजर रहे होते हैं तो वहां पे चैरियट, एक बग्गी जा रही होती है इसके फादर की, जो इसका असल फादर होता है, तो वहां पे ये वे से लड़ते हैं, रस्ते से लड़ पड़ते हैं कि मेरा रास्ता, वो कहता है मेरा रास्ता, ये दूसरे से लड़ते हैं, ये अपने गुस्से में, रूबरस में, अपने गुस्से में अपने फादर को किल कर देता है, साथ गार्ड्स को भी मार देता है। वहां पे वही जो शेफर्ड इसे देके आता है वही बच जाता है, वो दौड़ जाता है, वो ये अल्टीमेटली स्फिंक का जवाब देता है। स्फिंक इससे एक क्वेश्चन पूछती है थीम के अंदर जब ये एंटर होता है, तो वो पूछती है कि वो कौन सी चीज है जो पहले 4 पे चलती है, उसके बाद 2 और फिर 3 के, तीन के ऊपर। वो कहता है ह्यूमन बीइंग, इंसान, पहले 4 पे, फिर 2 पे, फिर अल्टीमेटली स्टिक पकड़ लेता 3 पे। स्फिंक अपने आप को वहां पहाड़ों से गिरा लेती है और अपने आप को खत्म कर लेती है। इस तरह स्फिंक का अजाब टल जाता है, लोग इससे इतना मुतासर होते हैं कि इतना अजीम कोई देवता टाइप इंसान है, इसकी शादी जुगस्ता से करवा देते हैं, क्योंकि लियस की डेथ हो चुकी थी। उस इलाके का रूल था, जो किंग बनता था उसकी वाइफ जो नकाब में आ जाती, इस तरह ये उस इलाके का किंग बन जाता है। अब जो कोरिंथ इलाका है वो इसके अडॉप्टेड फादर का है, जिसने अडॉप्ट किया था, अडॉप्टेड सन था जिसका, ये पोलिबस का। दूसरे इलाके का भी ये बन गया थीब का। इसे एक मैसेंजर आके बताता है कि तुम्हारे फादर पोलिबस की डेथ हो गई है, तो ये बड़ा खुश होता है कि अब तो मैं अपने फादर को नहीं मारूंगा, क्योंकि मेरे फादर की तो डेथ हो गई है, अब मैं हाउ विल आई किल माय फादर बिकॉज माय फादर हैज डाइड। तो वहां पे शेफर्ड बताता है इतने खुश होने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारा असल बाप नहीं था, तुम्हें अडॉप्ट किया था मैंने, फलां शेफर्ड से लिया था। वो कहता है बुलाओ जी शेफर्ड कहां है, कहते वो शेफर्ड तो उन लोगों के साथ था जब किंग, जब लियस को मारा गया था, तो वो भी वहां पे था, जब से आप किंग बने वो लाता छोड़ गया है। कहता पता करो वो कौन है, उस इंसान का पता करो वो शेफर्ड कौन है, वो गडरिया कौन है। उस शेफर्ड का पता किया जाता है, वो उसे बताता है, पहले तो वो नहीं बता रहा था, हेजिटेंट फील कर रहा था, फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हारा ट्रायल करूंगा, मैं तुम्हारे साथ ये करूंगा वो करूंगा। वो खौफ से होकर बता देता है कि हां ये बच्चा मुझे जो कस्टा ने दिया था, मैंने फला शेफर्ड को दिया था, उसने फिर आगे पोलीबस को दे दिया। जैसे जुकस्ता सुनती है अपने आप को हैंग करती है, ये अपने मुलाजमों को बताता है, कहता है तलवार bring me sword। तो ये देखता है कि वो अपने आप को हैंग कर लेती है, ये उसको नीचे उतारता है, नीचे उतारने के बाद से कोई सोर्ड नहीं देता, ये उसकी जो नीडल्स उसके सर में लगी होती हैं, सुइयां जो क्लिप्स वगैरह लगाती है, ये दोनों को पकड़ता है अपनी आंखों से, उनको नोच कर लेता है, उनको गौज कर लेता है, उनको नोच डालता है अपनी आंख, प्रिक कर लेता है। उसके बाद ये किरोन से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे मेरी बेटियों से मिलने दो। इज़मिनी और एंटीगोन से मिलता है, उनको कहता है, बड़ी लंबी फिर स्पीच करता है, रोता है, कहता है कि कौन तुम्हारे रिश्ते लेगा, कौन तुमसे शादी करेगा, तुम हमेशा इंसेस्टुअस फादर की बेटियां कहलाओगी, मैं तुम्हारा भाई भी हूं, मैं तुम्हारा फादर भी हूं, मैं वही उसी वॉम से पैदा हुआ, उसी से मैंने उसी के साथ मेट किया, उसी मदर के साथ मेट किया, मैं कितना बदबخت इंसान हूं, शायद दुनिया का सबसे, जिसे कहते हैं बैड लक, और दुनिया की सबसे बड़ी कैटास्ट्रोफी मेरे ऊपर आई है, एडवर्सिटी मेरे ऊपर आई है, सबसे बदकिस्मत इंसान मैं हूं जिसने अपनी मां के साथ मेट किया, उसके साथ ही उससे ही पैदा हुआ, उसी वॉम से पैदा हुआ, उसी के साथ सेक्स। बातें करता है किरोन से, कहता है कि तुम यहां पे तकरीर करने के लिए नहीं हो। वो कहता है जी मुझे निकाल दो, या मुझे यहां से मुझे मार दो, या मुझे कैथराइन हिल के पास छोड़ा हो, जहां पे मेरी किस्मत थी, मैं वहां पे मेरा फैसला होगा, मैं मर जाऊंगा वहां पे। कहता नो, किरोन कहता है कि इसका फैसला अपोलो करेंगे, मैं गॉड अपने गॉड का इंतजार करूंगा, गॉड मुझे जैसे ऑर्डर करेंगे मैं वैसा करूंगा, तो उतनी देर तक तुम यहां पे रहोगे। तो अल्टीमेटली फिर उसे बैनिश कर दिया जाता है अपोलो के हुक्म के मुताबिक, और फिर वो बाकी अपनी वसीयत वगैरह कर जाता है। तो दैट्स हाउ ट्रेजेडी अकर्ड। हमने देखा कि उसका जो ह्यूब्रस है, उसका जो एरोगेंट एटीट्यूड है,
जो उसका प्राइड है अल्टीमेटली उसको लीड करता है उसके ग्रेट आप कह ले ट्रेजेडी की तरफ। ले जी अब जरा निकालिएगा आयरनी आयरनी इन ईडिपस रेक्स। क्वेश्चन आया हुआ है पीयू में 2007 में, व्हाट इज ड्रामेटिक आयरनी, व्हाट इंस्टेंसेस ऑफ द ड्रामेटिक आयरनी डू यू फाइंड इन ईडिपस रेक्स, व्हाट डू दे कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्ले। यानी ड्रामेटिक आयरनी का मतलब होता है कि जो ऑडियंस है वो उनको पता होता है कि असल बात क्या है, जो देखने वाला ना उसे पता होता है, लेकिन जो करेक्टर परफॉर्म कर रहा होता है उसे नहीं पता होता कि मैं विलन हूं, मैं बुरा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन उसको कौन जान रहा होता है, उसको देखने वाला वॉच करने वाला देख रहा होता है कि ये ही इज डूइंग दैट। जैसे मिसाल के तौर पर हम भी एक कहते हैं जैसे शेक्सपियर सेड ऑल द वर्ल्ड इज अ प्लेस एंड ऑल द मेन एंड वुमेन आर इट्स प्लेयर, they have their exit and entrances and one man play many roles, aur ek insaan bahut sare role ada karta hai, sari duniya ki stage ek drama hai, sari duniya ek stage hai, usme hum drama perform kar rahe hain, hum apna role rakhte hain, hamara exit bhi entrance bhi, aur ek insaan bahut sare role ada karta hai duniya mein aur phir chala jata hai, theek hai, enter bhi hota hai exit bhi hota hai। to humne agar hum isko thoda sa gaur se dekhe to hame pata chalta hai irony in Oedipus rex ke andar, हमें पता चल रहा है कि आयरनी कहां पे है, जहां वो कहता है कि कर्स होर्स के ऊपर जिसने लियोस को कत्ल किया, मैं उसका एज अ सन काम करूंगा, मैं उसे ये करूंगा। हम ऑडियंस जानते हैं ये उसी का बेटा है, लेकिन वो नहीं जानता कर्स होर्स के बाद मैं उसे बैनिश कर दूंगा, मैं उसे निकाल दूंगा, उसकी सजा भी सिलेक्ट कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो अपने आप को सजा दे रहा है। ये ड्रामेटिक आयरनी, ये जहां जहां आपको पूरे प्ले में आयरनी मिलेगी आप उसको पॉइंट आउट करोगे और उसको बता दोगे, वो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखिएगा लिख लें, हेडिंग लिख लें, जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको भी एक्सप्लेन करें। पहला आप पहली हेडिंग देंगी आप आयरनी इज अ ग्रीक लिटरेरी डिवाइस। यानी ये वर्ड जो है वो कहां से डिराइव हुआ है, ये एक ग्रीक वर्ड है, उसके अंदर से ये डिराइव हुआ है वर्ड। और इसका मतलब क्या होता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, जो कहा जा रहा है उसके जो उल्ट मतलब होता है या उसके जो एंटी मतलब होता है वो उसका जेन्युइन मतलब होता है। जैसे हम से दैट वेरी गुड पर्सन इज सेइंग वेरी गुड पर्सन इज कमिंग, जेंटलमैन इज कमिंग, लेकिन उसके जो जो मतलब है उसके उल्ट होगा कि बैड आदमी आ रहा है, वाइल आदमी आ रहा है, बुरा आदमी आ रहा है। ठीक है जी, इसको हम देखेंगे। पहली हेडिंग आप देंगी आयरनी इज अ ग्रीक लिटरेरी वर्ड। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि व्हाट इज अपीयरेंस एंड रियलिटी के दरमियान जो फर्क होता है, जो प्रिटेंशन होता है, जो दिखावा होता है, उसको कहते हैं आयरनी इज अ ग्रीक लिटरेरी डिवाइस, जो कि ड्रामा में मोस्टली कोरस के साथ इस्तेमाल होती थी। डेफिनेशन ऑफ आयरनी, आयरनी की डेफिनेशन आप देंगे जो कि आपके यहाँ पे दी गई है। First, outside the plot of the play, the irony of the situation. When an oracle tells the Oedipus father Laius that he will get a son who will murder his father and marry his mother. Theek hai, Laius tries to avoid the decree of the fate, but this fact will fulfill the oracle. Later when he some, देखिए उसने गॉड के जो बनाए हुए रूल से जितना उसके साथ लड़ने की कोशिश की वो उतना वो उसके लिए खतरनाक साबित। डेफिनेशन ऑफ आयरनी, देयर इज आयरनी ऑफ सिचुएशन एज वेल एज आयरनी ऑफ डायलॉग। डायलॉग की आयरनी भी है, सिचुएशन की भी आयरनी। कैसे सिचुएशन कहां पे क्रिएट होती है कि उसे ओरेकल ने बताया, डेल्फिक ओरेकल ने बताया किसको, लियस को, कि तुम्हारे घर के बेटा पैदा होगा। जकस्ता और लियस दोनों को बताया गया कि तुम्हारे घर एक बेटा पैदा होगा जो तुम्हारे हस्बैंड को कत्ल करेगा और तुमसे शादी कर लेगा, लेकिन वो एक आयरनी ऑफ सिचुएशन थी। उसने पकड़ा वो बच्चा शेफर्ड को दे दिया, उसको उसके पांव को पिर्स करते, उसके अंदर एक सुराख करते हैं, एक मार्क लगाते हैं, उसको दे देते हैं, मार दो इसको। ठीक है, अब मारने की बजाय वो क्या करते हैं, वो एक इशूलेस एक किंग होता है पॉलीबस कॉरेंज का साथ इलाके का, वो उसको दे देते हैं। अब यहां में भी आयरनी है कि वो आयरनी ऑफ सिचुएशन बनी कि वो जिसको बचने की, जिसको मारने की कोशिश की, वो बन के बादशाह आ गया।
There is the irony of situation as well as the irony of dialogue. कि dialogue भी साथ साथ जैसे वो dialogue बोलता है कि मार दूंगा बेटा बन के काम करूंगा और ये करूंगा वो असल में ही उसका बेटा होता है ये भी एक irony है dialogue. Lius arid at Oedipus efforts to avert their fates are example of irony of situation. जब वो remove करता है ना Oedipus को Lius arid Oedipus efforts to avert their fates. आर द एग्जाम्पल ये दोनों बाप बेटे दोनों कोशिश करते हैं ना कि आयरनी वो यहां से भाग जाता है ये उसको मारने की कोशिश करता है लियस तो ये क्या करता है उससे भाग जाता है वो असल पेरेंट के पास चला जाता है ये भी आयरनी ऑफ सिचुएशन है ये आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. द स्टेटमेंट ऑफ द ईडीपस आर फुल ऑफ आयरनी ऑल हिज वर्ड रिकॉइल अपॉन हिम. ये सारे पॉइंट लिख लें जस्ट इसकी हेडिंग लिख लें और बाकी लिख लें लियस लियस और ईडीपस एफर्ट लिख लें टू अवॉइड द फेट. लियस एंड ईडीपस लियस के एफर्ट करता है कि जुगस्ता दोनों मिलकर शेफर्ड को दे देते हैं कि इसको कहीं फेंक दो दरिया उधर से ईडीपस एफर्ट करता है कि मैं यहां से दौड़ जाऊंगा ना अपने बाप के पास रहूंगा पॉलीबस के पास वहां से मारूंगा वो असल लियस के पास ही चला जाता. तो ये आप हेडिंग लिख लें इसको एक्सप्लेन खुद कर लेना या पढ़ लेना. द स्टेटमेंट ऑफ ईडीपस आर फुल ऑफ आयरनी एज ऑल द वर्ड रिकॉइल अपॉन हिम. रिकॉइल अपॉन का मतलब होता है कि उसके ऊपर इंप्लीमेंट होती है. ईडीपस की जितनी भी स्टेटमेंट है वो सारी आयरनिकली ट्रीटेड है. जैसे वो कहता है कि मैं बेटा बन के काम करूंगा वो था ही बेटा मैं उसका बदला लूंगा मैं अपने आप को बचाऊंगा मैं कहता है कि उसके ऊपर लानत हो कर्स हो जिसने लियस को मारा जो प्लेग का कॉज बना जिसकी वजह से इतने लोग तबाह बर्बाद हो रहे हैं जिसकी वजह जिसने लियस को मारा उसके ऊपर लानत हो उसको मैं बैनिश कर दूंगा वो अल्टीमेटली सब कुछ उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो रहा है वो कॉज ही उसकी वो था. ये आप इसको लिख लें द स्टेटमेंट ऑफ ईडीपस आर फुल ऑफ आयरनी ये भी लिख लें. द एंग्री स्पीच ऑफ द ट्रीसियस इज एन एक्सीलेंट एंग्री स्पीच ऑफ द ट्रीसियस इज एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ आयरनी. अब जो उसकी एंग्री जो स्पीच है उसे वो कहता है विटलेस सेंसलेस नॉनसेंस ओल्ड फूल कि तुम ओल्ड हो ब्लाइंड हो सेंसलेस हो विटलेस हो ओल्ड फूल हो तुम इतने बड़े अगर होते तो तुम स्फिंक को ना मार लेते मैंने स्फिंक को मारा ह्यूब्रस और उसका एरोगेंट जाहिर करती है ये स्टेटमेंट. लेकिन उसकी सारी स्टेटमेंट जो वो कहता है वो अल्टीमेटली बाद में प्रूव हो जाती है वो भी एक आयरनी निकली ट्रीटेड सेंटेंसेस डायलॉग्स है. नीचे और चीजें ट्रेजिक आयरनी लिखें सबसे पहले आप ट्रेजिक आयरनी को एक्सप्लेन करेंगे इसको देख लें लिख लें ट्रेजिक आयरनी इसकी डेफिनेशन देंगे ये आपको इस बुक से भी मिल जाएगी. आयरनी इन ईडीपस एज अ सॉल्वर ऑफ द रिडल ये भी हेडिंग दें आयरनी इन ईडीपस एज अ सॉल्वर ऑफ द रिडल यानी जो सॉल्वर ऑफ द रिडल है ये भी एक आयरनी है. इतनी बड़ी रिडल को तो वो सॉल्व कर लेता है लेकिन अपनी किस्मत के बारे में नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है ये भी एक आप कहेंगे कि यही भी आयरनी है कि इतना बड़ा मैटर तो उसने सॉल्व कर लिया लेकिन अपनी लाइफ को ना समझ सका. आयरनी इन द इनिशियल प्रोक्लेमेशन पहला प्रोक्लेम करता है कि लानत हो कर्स हो मैं उसे बैनिश कर दूंगा वो भी है वही है. इसको लिख लें हेडिंग बना लें इसको आप एक्सप्लेन कर लेना. आयरनी इनिशियल प्रोक्लेमेशन जो वो प्रोक्लेम करता है इनिशियल आयरनी इन सेंस ऑफ क्वारल बिटवीन द ईडीपस एंड ट्रीसियस इसके अंदर भी आयरनी है. वो से कहता है फूल सेंसलेस तुम इतने बड़े होते तो तुम इसको रिडल को सॉल्व ना कर लेते वो मैंने सॉल्व किया इसके अंदर भी आयरनी है कि तुमने सॉल्व तो कर लिया लेकिन तुम ये भी जानते कि तुम कर क्या रहे हो तुम ह्यूब्रस और वो एरोगेंट और किस किस एक्टिविटी अपनी मदर से मेट कर बैठे हो उससे बच्चे तुमने पैदा कर दिए तो वो नहीं समझ सका तो यहां पे भी एक आयरनी है. ट्रीसियस और दोनों के दरमियान झगड़ा जो है ना स्पीच वो पढ़ लेना. आयरनी इन ईडीपस एटीट्यूड क्रोन्स अब आयर वो कहता है क्रोन को मैं सजा दूंगा बैनिश कर दूंगा मैं ये करूंगा वो करूंगा अल्टीमेटली क्रोन ही उसे बैनिश कर देता है और वो ही अल्टीमेटली बादशाह बन जाता है क्रोन. फिर उसके सामने हाथ जोड़ता फिरता है कि यार मुझे माफ कर दो मुझे बेटियों से मिलने दो वो भी एक आयरनी है. आयरनी है जुकस्ता कहती बहुत पहले हमने डेल्फिक ओरेकल ने हमें बताया था अपोलो की सारी बातें झूठी होती हैं इस गॉड की इसने हमें बताया था कि बच्चा पैदा होगा बच्चा अपने बाप को कत्ल करेगा इसको आप
फेंक दें कहीं, तो हमने उसे फेंक दिया था, मार दिया था, कुछ नहीं बना, तो वो तो फुलफिल नहीं हुई, वो तो हमने बच्चे को मार दिया था। तो आयनियन जोकस्टा की स्टेटमेंट में भी आयनी असल में वो प्रूव हो चुकी थी, आयनियन ईडीपस अकाउंट, ईडीपस के अकाउंट में भी आयनियन। ड्रामेटिक आयरनी, जहां जहां करेक्टर नहीं जानता ऑडियंस उसको, आप एज अ रीडर जानती हो, वो सारी ड्रामेटिक आयरनी लिख देना, कंक्लूजन दे देना, तो आपका एक क्वेश्चन बन जाए। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, यू आर लिसनिंग टू द वॉइस ऑफ सर राणा, आवर कॉन्टेक्ट नंबर इज 0305631946। सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। ये जी, ये आपने एक ओवरऑल मैंने उसकी समरी भी बता दी, कुछ करेक्टर भी बता दिए, कल हम एक नई असाइनमेंट पढ़ लेंगे, कल मैं आपको इम्पोर्टेंट असाइनमेंट बता दूंगा इसकी, और उसके बाद हम दूसरा जो नेक्स्ट प्ले है वो शुरू कर लेंगे, परसों शुरू कर लेंगे इंशाल्लाह, कल मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इसकी बताऊंगा। हैव अ नाइस टाइम, कोई क्वेश्चन हो तो लिख के भेज।